हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन में कह रहा है इफ एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल रिस्ट पावर एन इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस अप टू ए टू एन एक्स टू एन, देन शो दैट ए नॉट स्क्वायर माइनस ए वन स्क्वायर प्लस अप टू ए स्क्वायर टू एन इज इक्वल टू ए एन, है ना। ये पूरे एक्सप्रेशन को हमें ए एन के इक्वल प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, थोड़ा सा वो समझ लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमको प्रूव क्या करना है, ए नॉट स्क्वायर प्लस ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर ए स्क्वायर टू एन इज इक्वल टू ए एन। तो यहां से देखो, ये एक्सप्रेशन से हमें क्या पता चल रहा है, वी हैव टू मल्टीप्लाई, वी हैव टू मल्टीप्लाई टू एक्सप्रेशंस, टू एक्सप्रेशंस और एक्सपेंशंस, ठीक है। क्योंकि देखो ये ए नॉट ए वन ए टू एन दे रखा है और यहाँ पे स्क्वायर लगा, तो मतलब हमको दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। उसके बाद अगर ए रेस्ट टू द पावर एन इंटू बी रेस्ट टू द पावर एन लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए बी होल पावर एन। इसी तरह डिवाइड में है, अगर ए एन अपॉन बी रेस्ट टू द पावर एन लिखा है, तो इसको आप ए अपॉन बी होल एन लिख सकते हो। ठीक, अब देखिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन दे रखा है, हम उसको लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन को जब आप लिखोगे, तो यहाँ से आपके पास क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपके पास 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल एन। ये आपके पास क्या दे रखा है बेटा, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस अप टू ए टू एन एक्स रेस्ट टू द पावर टू एन। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, इक्वेशन वन हो गया। अब यहां से हम एक चीज और कर ले, यहां पे हम क्या कर ले बेटा, क्या करेंगे, ये जो एक्स है, एक्स को रिप्लेस करेंगे 1 बाई एक्स से। तो यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, रिप्लेस एक्स बाई माइनस 1 बाई एक्स, इससे हमने रिप्लेस कर दिया। तो यहां से आप लिख सकते हो 1 माइनस 1 बाई एक्स, 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होल पावर एन इज इक्वल टू ए वन अपॉन एक्स प्लस ए टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस अप टू ए टू एन अपॉन एक्स की पावर टू एन। ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसका एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होल पावर एन इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर माइनस, और यहां से आ जाएगा ए टू एन अपॉन एक्स की पावर टू एन। क्लियर। अब देखो, जो इधर एलएचएस में डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, जो एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर टू एन हो जाएगी, तो पावर अलग अलग आ जाएगी, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज देंगे। तो यहां से देखो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बचेगा बेटा, यहां से एक्सप्रेशन बचेगा आपके पास 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर एन। ये इसका जो एन था, हमने इधर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, ए नॉट एक्स रेज टू द पावर टू एन माइनस, ठीक है, ए वन एक्स रेस टू द पावर टू एन माइनस वन। क्यों? क्योंकि देखो ये एक्स की पावर टू एन है और ये यहाँ पे आएगा, तो ये ए की पावर टू एन हो जाएगा और यहाँ पे अपॉन में एक्स की पावर वन है और ऊपर टू एन होगा, तो टू एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक, प्लस ए टू एक्स की पावर टू एन माइनस टू, और यहां से देखो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा ए की पावर टू एन लास्ट में। ठीक, क्योंकि देखो x की पावर 2n और x की पावर 2n कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये बचा हमारे पास, ये एक्सप्रेशन आपने टू ले लिया। अब देखो, अब क्वेश्चन में ही हमको पता चल रहा था, अब क्वेश्चन में हमको पता चल रहा था कि हमको दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन टू से। जब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां से क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल एन इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल एन। ठीक है, ये जब आप इसको यहां मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो यहां से क्या बचेगा, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर और माइनस ए टू एन एक्स की पावर टू एन, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, यहां से ए नॉट एक्स की पावर टू एन
माइनस ए वन एक्स की पावर टू एन माइनस वन प्लस ए स्क्वायर एक्स की पावर टू एन माइनस टू, ठीक है। और ये कहां तक चलता चला जाएगा बेटा, माइनस, और ये लास्ट में बचेगा प्लस। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये क्या आ जाएगा, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में है वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो होल पावर एन हो जाएगी, ठीक है। और इक्वल टू में आप जब लिखोगे, तो देखो इक्वल टू में आप इसको मल्टीप्लाई में यहां पे लिख लो, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक बार एक स्टेप और रिपीट कर लेते हैं, ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अप टू ए टू एन एक्स की पावर टू एन, ठीक। और मल्टीप्लाई में क्या है बेटा आपके पास, मल्टीप्लाई में है ए नॉट एक्स की पावर टू एन माइनस ए वन एक्स की पावर टू एन माइनस वन प्लस ए एक्स टू एन माइनस टू, और ये कहां तक जा रहा है ए टू, और ये माइनस हो जाएगा यहां से, ये कहां तक जाएगा बेटा आपके पास, प्लस ए टू एन तक जाएगा, ठीक। अब देखो इसमें अगर आप देखो इसमें, तो ये क्या, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको जो है ये वाला जो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आपके पास आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेस टू द पावर फोर होल पावर एन आ जाएगा। अच्छा जब आप राइट हैंड साइड पे देखो, राइट हैंड साइड पे देखो ये ए नॉट है, ठीक है, और ये ए नॉट एक्स की पावर टू है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, यहां से क्या आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ए नॉट स्क्वायर एक्स की पावर टू एन आ जाएगा, ठीक। उसके बाद यहां से देखो ए वन है और ये ए वन एक्स की पावर टू एन है, जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से देखो क्या आ जाएगा माइनस ए वन एक्स की पावर टू एन और इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। इसके बाद जब आप इसको देखो यहां से ए स्क्वायर और यहां पे वाला जो स्क्वायर है इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे यहां से क्या आ जाएगा प्लस, यहां से देखो क्या आ रहा है प्लस ए स्क्वायर एक्स की पावर टू एन, ये आ रहा है ना, और ये देखो चलता चला जाएगा। लास्ट वाला टर्म आप जब मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट वाला टर्म मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आपके पास प्लस, ये तो माइनस हो जाएगा यहां से, और यहां से आ जाएगा प्लस ए टू एन होल स्क्वायर एक्स की पावर टू एन, देखो यार है। और ये हमने क्या लिख दिया है, ये यहां से क्या है बेटा, कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर टू एन, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर टू एन कितना आ रहा है, कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर टू एन अगर आप देखोगे तो यहां से क्या आ रहा है ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर माइनस, और ये कहां तक जा रहा है ए टू एन का होल स्क्वायर, ये क्या आ रहा है कोफिशियंट ऑफ, ये किसका कोफिशियंट है बेटा, एक्स की पावर टू एन का, किसका कोफिशियंट है एक्स की पावर टू एन, एक्स की पावर टू एन, एक्स की पावर टू एन का कोफिशियंट है। यहां से क्या करेंगे, अब यहां से करेंगे रिप्लेस, रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाई वाई, एक्स स्क्वायर को हमने क्या किया वाई से रिप्लेस कर, तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बचेगा वन प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर होल पावर एन, ठीक है। तो जब आपने ये किया तो इसमें जब आप, और यहाँ पे आप देखो जब आप कोई टर्म लिखते हो वन प्लस एक्स की पावर एन को लिखते हो तो यहां से क्या आता है सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर, और ये कहां तक चला जाता है सी एन एक्स की पावर एन तक जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया इसका, ठीक है, हमको ये ए नॉट ए ये पूरा दे रखा था, तो एक्स की पावर ये किसका था कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर टू एन था, तो जब हमने एक्स स्क्वायर को वाई से कर दिया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास वाई रेस टू द पावर एन के इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो ये वाई की पावर एन, और यहां से आप देखो जब आप इसको लास्ट टर्म इसका लास्ट टर्म देख रहे हो तो क्या आ रहा है सी एन एक्स की पावर एन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इसका कोफिशियंट होगा जब आप ये वाला टर्म लिखोगे इसका लास्ट टर्म क्या होगा, इसका जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा बेटा, वो आप क्या लिख सकते हो सी एन वाई रेस टू द पावर एन, या अगर आप ए के टर्म में लिख रहे हो तो ए एन वाई रेस टू द पावर एन, और वाई रेस टू द पावर एन का कोफिशियंट क्या है ए एन है, इसका मतलब ये जो आपने निकाला है ये क्या निकाला है
कोफिशियंट ऑफ वाई एन, और ये किसके इक्वल हो गया, ए रेस्ट ए एन के इक्वल हो गया। इट मीन्स यहां से आप कह सकते हो कि जो ए नॉट स्क्वायर माइनस ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर माइनस अप टू प्लस ए टू एन होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा बेटा, ए एन के इक्वल होगा। ठीक है, हेंस प्रूफ यहां से प्रूफ कर सकते हैं भाई, ये वाले एक्सप्रेशन में हमने एक्स स्क्वायर को क्या रिप्लेस किया, वाई से रिप्लेस किया। एक्स स्क्वायर को क्या रिप्लेस कर दिया, एक्स स्क्वायर बाई वाई। एक्स स्क्वायर को जब हमने वाई से रिप्लेस किया तो यहां से देखो ये भी तो एक्स स्क्वायर बन रहा है ना, तो ये वाई एन हो जाएगा, और ये पूरा जो टर्म होगा वन प्लस वाई स्क्वायर होल, तो इसका जो लास्ट टर्म होगा वो ए एन वाई रेस्ट टू द पावर एन होगा, क्योंकि देखो लास्ट टर्म देखो वही तो आता है ना, तो यहां से हम ये वाले टर्म से देखो, ठीक है सी एन, तो वहां पे आपने ए एन कर दिया, एक टर्म में ले रखा है, तो ये वाई एन का कोफिशियंट यहाँ पे ए एन है, तो और ये जो आपने पूरा निकाला था ये भी वाई एन के कोफिशियंट से, तो हेंस दोनों इक्वल होंगे, दोनों के कोफिशियंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, हेंस प्रूव्ड।